हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यू पी पी सी एस अपर टू थाउजेंड नाइनटीन क्वेश्चन पेपर इससे पहले हम 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और आज हम डिस्कस करेंगे 2019 का क्वेश्चन पेपर देखो क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिना क्वेश्चन पेपर के आपको कोई आइडिया नहीं ले कि कैसे पेपर आते हैं किस किस फील्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस जो है अराइज होते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी अंतर श्राबी और वही शराबी दोनों प्रकार का होता है तो पेनक्रियास यानी अग्निशय होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू कि किस मटेरियल में कैल्शियम होता है इनमें से किस मटेरियल में कैल्शियम होता है तो जिप्सम में कैल्शियम होता है नेक्स्ट है ये बताना है कि कौन सा मैच जो है करेक्ट नहीं है तो इसमें तीन तो करेक्ट हैं देखो सिल्वर आयोडाइड ये आर्टिफिशियल रेन से संबंधित होता है लिथियम बायोकार्बोनेट ये गठिया जो एक बीमारी होती है उसके उपचार से संबंधित होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड होती है ठीक है लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये फोटोग्राफी में यूज होता है इसलिए इस ये करेक्टली मैच नहीं है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं तुलसी प्लांट के बारे में पूछा गया है कि तुलसी जो प्लांट है वो क्यों इम्पोर्टेंस रखता है मेडिकल रूप से भी तो उसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें फीनोल और फ्लेबोनाइ होते हैं नेक्स्ट प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर यानी उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं एक नॉर्मल सी बात है ये हमें पता होना चाहिए कि उत्पादक ज्यादा होते हैं प्राथमिक उपभोक्ताओं से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन एक शब्द दिया है यानी सुपोषण सुपोषण के संबंध में हमें बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं दोनों ही करेक्ट हैं देखो पहला कह रहा है कि इससे क्या मतलब होता है कि पोषण न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होता है वाटर बॉडी के लिए ये ठीक है दूसरा है इट डिप्लेट्स डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर ये क्या करता है कि घुलित ऑक्सीजन को यानी ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है ठीक तो है तो बोथ और टू करेक्ट होंगे नेक्स्ट है, यानी मानव द्वारा जो पर्यावरण है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा सही नहीं है तो पहले से ही हम इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि फर्स्ट ही ठीक नहीं है क्योंकि नॉर्मली आपको ये पता ही होगा कि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर क्या होता है बायोडाइवर्सिटीज ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाते हैं वैसे वैसे, वैसे बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती कम हो जाती है यानी हाई हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी का जो एरिया होता है वो आपका इक्वेटर ही होता है भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं तो इसमें फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है बायो इंडिकेटर एयर पॉल्यूशन है ज्यादा तो उसके लिए जो बायो इंडिकेटर है वो कौन सा होता है लाइकेंस। लाइकेंस जब उगाते हैं तो हमें पता चलता है कि वायु प्रदूषण ज्यादा है ठीक है नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली matched। तो इसमें डी obviously आपको पता ही है कि डी जो है पास्चराइजेशन का संबंध रिलेशन किससे होता है जो मिल्क है है ना मिल्क को पास्चराइज किया जाता है ना टोन्ड मिल्क जैसे हम उसको बोलते हैं तो ये टी से रिलेटेड नहीं है ये मिल्क से रिलेटेड होते हैं दूध को ठंडा किया जाता है गर्म करके ठंडा करते हैं ठीक है तो ये जो है इसका डी करेक्ट आंसर होगा ठीक है बाकी सी वाटर जो है वो डेसिलेशन रिवर्स ओस्मोसिस पोर्टेबल यानी पेयजल जो शुद्धिकरण होता है उससे संबंधित है डी नेचुरलाइजेशन ये प्रोटीन से संबंधित है नेक्स्ट इलेवन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ हरबी साइड साइड का एग्जाम्पल क्या होता है सोडियम क्लोराइड तो हरवी साइड यानी शाक नाशक शाखनाशक यानी सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ अगर जैसे कोई फसल उगाई जा रही है खेतों में तो कुछ ऐसे घास फूस उगाती हैं अलग से जिनकी ज़रूरत नहीं होती उस फसल में तो वो क्या करती हैं जो मेन फसल है मेन जो क्रॉप है उसको बढ़ने से रोकती हैं इसीलिए क्या होता है वो सोडियम uh, क्लोराइड डाला जाता है ये मार्केट में मिल जाते हैं है ना तो हर साइड बोलते हैं उनको नेक्स्ट है कि कौन सी गैस है जो धान के खेतों में पैड़ी फील्ड्स में होती है और जो इंक्रीज करती है अर्थ का टेम्परेचर तो मीथेन मीथेन इसका आंसर है इन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस कहाँ पर स्थित है तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है जो 100 परसेंट सोलर सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा पर संचालित हो रहा है कौन सा यूटी है दमन और दीव तो दमन और दीप ठीक है इसमें केवल दीव दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फर्स्ट है कि रिलेशन बिटवीन एचडीआई एंड एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो 17 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं 17 है ठीक है तो फर्स्ट कहा है इसमें कि HDI और SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की बरियता में धनात्मक संबंध है मतलब इन दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशन है नेक्स्ट है द अंडरलिन डायमेंशन ऑफ एस टारगेट आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन और हेल्थ आस्पेक्ट तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यू के द्वारा दिए गए हैं ठीक है थीके? तो वो क्या है वो एक दूसरे से मेनली किसके लिए है एजुकेशन और हेल्थ तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ठीक है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये तो नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये मेनली किसके द्वारा इशू किया जाता है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके द्वारा इसको इशू किया जाता है ठीक है है इसमें पूछा गया है पॉवर्टी इंक्लूड हेल्थ होता है एजुकेशन लिविंग स्टैंडर्ड तो तीनों ही करेक्ट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, है इसमें अरेंज करना है इन्हें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो फर्स्ट जो है हमारा आ जाएगा सबसे पहले बना था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी 1972 में उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आया था नेक्स्ट ईयर नाइनटीन 1973 में देन प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में ठीक है सी आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा जो कॉमन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है सी यानी ग्राम पंचायतों में वहाँ लिखा हुआ कई बार मिलेगा आपको तो इसमें पूछा गया जन्म और मृत्यु अगर किसी की होती है तो कितने दिनों में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है ट्वेंटी वन डेज में ठीक है नेक्स्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव में क्या इंक्लूड नहीं है तो एच टेस्ट जो है इसमें इंक्लूड नहीं है बाकी तीनों इंक्लूड हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं कुजनेट्स जो आ, कर्व है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है द इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व शोज द रिलेशन बिटवीन पर कैपिटल जीडीपी एंड इन्वायरमेंटल लॉस व्हाट इज द शेप ऑफ इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व इन्वर्टेड यू शेप होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है इसमें आप स्टेटमेंट देख लेंगे दोनों आपको समझ में आ जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ह्यूमन सोसाइटी के लिए क्या है अच्छा है ठीक है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है एक इसकी डेफिनेशन दी गई है तो दोनों ही करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी है इसका नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कौन सी है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम अनाउंस किया गया है पहल भारत सरकार द्वारा पहल योजना को वर्ल्ड लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत माना गया है ठीक है नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड है तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं ठीक है कि अर्बन एरिया रूरल एरिया में सेवेंटी फाइव परसेंट पीपल्स को कवर किया जाएगा और फिफ्टीन परसेंट फिफ्टी परसेंट अर्बन पॉपुलेशन को ठीक है न्यूट्रिशनल सपोर्ट वुमेन और चिल्ड्रन को दिया जाएगा और अठारह वर्ष से जो अधिक आयु की महिला होगी उसको हेड बनाया जाएगा मतलब राशन कार्ड में उसको हेड बनाया जाएगा परिवार की मुखिया माना जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनेंसी रिफॉर्म इन इंडिया उसको करेक्टली मैच करना है कि पहले क्या हुआ था रेगुलेशन ऑफ रेंट आया लगान का बिनियमन हुआ सिक्योरिटी सिक्योरिटी हुई ऑफ टेन्योर मतलब अवधि की सुरक्षा दी गई कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप ऑन टेन यानी पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा की गई थी तो करेक्टली आंसर डी है नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंडिया में जो है उन से संबंधित क्या क्या स्टेटमेंट ठीक हैं तो यहाँ पर चारों ही स्टेटमेंट ठीक हैं ठीक है क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या अगर आप उसको डीपली समझोगे तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा ठीक है सोइस so, कैनाल रीजन के बारे में नेक्स्ट पूछा गया है तो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन पूछी गई है कि कौन सी लेक पड़ती है तो इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले नॉर्थ में लेक मंजाला लेक टिमशा, ग्रेट बियर और देन लिटिल बियर लेक होगा टेलीग्राफ प्लेट्यू यानी टेलीग्राफ पठार पूछा गया किसका पार्ट है ये नॉर्थ अटलांटिक रिज रिज क्या है समुद्र में होता है आपको पता होगा ज्योग्राफी का कंसेप्ट है ठीक है नेक्स्ट है 28 साइक्लोन पूछा गया ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है क्योंकि साइक्लोन मोस्टली क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है यूपी पी में तो साइक्लोन के बारे में हमें ध्यान रखना जैसे इंडिया में प्रेजेंट में कौन कौन से साइक्लोन अभी आ चुके हैं एक तो ताउकते आया था वेस्टर्न पार्ट पे यानी महाराष्ट्र गुजरात और केरल साइड में और अभी कौन सा आया है यास तूफान ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा इधर साइड में आया यानी ईस्टर्न साइड में आया तो इसको हम विशेष रूप से ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द सिटी नॉट लोकेटेड ऑन ट्रांसाइबेरियन रेल रूट ट्रांसाइबेरियन जो रेल रूट है वो कहाँ पर है रसिया में है रूस में है तो ये पूछा है कौन सी सिटी वहाँ उस पर सिचुएटेड नहीं है क्योंकि ये क्या है लार्जेस्ट रेल रूट है जो मॉस्को से स्टार्ट होता है कहाँ तक जाता है ब्लाडीबोस्टक तक ठीक है यानी वेस्टर्न पार्ट को रशिया के ईस्टर्न पार्ट से कनेक्ट करता है तो सोची उस पर नहीं है ठीक है नेक्स्ट है विंड और कंट्री मैच करना है इसमें मिस्ट्रल जो है वो फ्रांस में बहती है हवा ठीक है तो लोकल विंड है ये स्थानीय पवन के बारे में पूछा गया है सेंटा आना कैलिफोर्निया में हबू सूडान यामो जापान में नेक्स्ट आते हैं कोल फील्ड को मैच करना है लोकेशन से तो तालचिर तालचिर महानदी वैली में पड़ता है कर्णपुरा दामोदर वैली में सिंगरौली सोन वैली में और सिंगरेनी सिंगरेनी गोदावरी वैली में ठीक है नेक्स्ट है इंडिया में कौन सा पीक नहीं है गुरला मानधाता ये नेपाल में पड़ता है बाकी नामचा बारवा नंगा पर्वत कॉमेट ये तीनों ही इंडिया में है विंटर रेन्स कॉस्ट बाई द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी बिक्षोभ से जो वर्षा होती है वो मोस्टली कब होती है जब विंटर सीजन चल रहा होता है इंडिया में उस समय तो इसका डायरेक्शन पूछा है इस ये क्या है वेस्ट से ईस्ट होती है ठीक है वेस्ट से ईस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ऐसी कौन सी रिवर है जिसका अपर पार्ट जो है अपर भाग जो है उसमें फ्रेश वाटर है और लोअर भाग में कैसा है नमकीन है यानी खारा जल है तो लूनी रिवर है जो राजस्थान और गुजरात में बहती है मोरीवन डेल्टा ये किसका पार्ट है बंगाल डेल्टा का पार्ट है ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट है ये क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं तो पहला कह रहा है कि शुगर के यानी गन्ना और चीनी उत्पादन में यूपी जो है महाराष्ट्र की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा है प्रोडक्टिविटी सॉरी तो उत्पादन तो अधिक होता है महाराष्ट्र से लेकिन प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता क्या हो जाती है कम है तो ये करेक्ट है ठीक है मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन महाराष्ट्र आर इन कोऑपरेटिव सेक्टर तो ये दोनों ही ठीक है बस इसमें करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है ये नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड तो इसमें कुछ हिस्टोरिकल चीजें टर्मोलॉजी दी गई है और ये बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है दाम कॉपर क्वाइन होता था देसाई रिवेन्यू कलेक्टर और दीवान जो है रिवेन्यू चीफ होता था एक प्रांत का प्रोविंस का जरीब क्या थी जरीब एक मतलब मेजरमेंट होता था जरीब यानी एक जंजीर टाइप की होती थी जिससे जमीन को नापा जाता था ठीक है तो ये टैक्स नहीं था जरीब एक क्या था मेजरमेंट था नेक्स्ट पे आते हैं मुल्ला दाऊद इसको मैच करना है मुल्ला दाऊद ने लिखी थी चंदायन दामोदर कवि ने लिखी थी पद्मावती कथा सोमनाथ ने राग विबोध और अमीर खुसरो ने आशिका तो ये आपको मैच करने थे ठीक है नेक्स्ट है कि तानसेन जो है अकबर के दरबार में आने से पूर्व किस शासक के संरक्षण में था तो तानसेन जो है अकबर के दरबार में आने से पहले राजा राम चंद्र सिंह और भाटा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह था उसके दरबार में था नेक्स्ट है डायनेस्टी यानी वंश हैं और उनकी कैपिटल तो पल्लव पल्लव वंश की रा, राजधानी जो थी वो थी कांची पांड्यों की मदरा थी यादवों की देवगिरी थी और काकतीय की वारंगल थी ठीक है तो ये कैपिटल साउथ की ज़्यादा पूछी जाती है आपको ध्यान रखना थोड़ा इनका क्रोनिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है जैसे अगर मैं आ, यहाँ पर एक मैच करूँगा तो सबसे पहले अटाला मस्जिद अटाला मॉस्क्यू जौनपुर में है तो ये दिल्ली सल्तनत के लास्ट टाइम की बात हो गई ठीक है तो अटाला मॉस्क्यू जौनपुर में है सबसे पहले यही बनेगी ठीक फिर आते हैं हम शेर सूरी शेर सूरी का मकबरा वरा उसके बाद हुमायूं टॉम को बनवाया गया किसने बनवाया था बेगा बेगम या हाजी बेगम बोलते हैं जो हुमायूं की वाइफ थी उसने बनवाया था उसके बाद रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में ठीक है रबिया दौरानी यानी औरंगजेब की वाइफ थी सो लास्ट में क्या हो जाएगा औरंगजेब है ना तो इसी तरह से हम इसमें थोड़ा लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है तो दारी जो व्यवस्था थी वो किसने प्रारंभ की थी अकबर ने की ठीक है इसमें सेकंड स्टेटमेंट है कि मन, मनसबदारी जो प्रथा थी वो पैतृक पद था पैतृक नहीं था ठीक है क्योंकि ये चेंज होते रहते थे मनसबदारों का ट्रांसफर किया जाता रहता था इधर से उधर कर सकते थे तो इसमें एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है नेक्स्ट पे आते हैं मैच करना लिस्ट वस, फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर प्लासी और बक्सर का युद्ध हो गया था उसके बाद ये ट्रीटीज हुई थी ठीक है ट्रीटी ऑफ मंगलोर 1784 में सालबाई की संधि हुई थी 1782 में ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में नेक्स्ट हम देखेंगे इसको मैच करना है कि पहले कौन सा हुआ था पहले सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में ठीक है सेकंड है गांधी इरविन समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता कब हुआ जब राउंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई और कांग्रेस ने उसमें पार्ट नहीं लिया तो इरविन के ऊपर दबाव था कि गांधी जी को भी उसमें सम्मिलित किया जाए तो एक समझौता हुआ नाइनटीन में उसके बाद ये जो गांधी जी हैं वो कहाँ पर गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा पूना पैक्ट हुआ था 1932 में देन लास्ट में क्रिप्स मिशन क्योंकि ये 1942 में आया था क्रिप्स मिशन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा गया है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने रिफॉर्म लाए थे उसके बारे में पूछा गया है तो रीअरेंज करना चाहते थे डिसाइड किया रीअरेंज करने का किसने लॉर्ड कर्जन ने प्रोविंशियल बाउंड्रीज को यानी राज्यों को रीअरेंज करना चाह रहे थे उन्होंने एक नया प्रोविंस बनाया ईस्ट बंगाल एंड असम यानी बंगाल का विभाजन पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हिस्टोरिकली इवेंट है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है सीआर फार्मूला जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उसके बीच में जो विवाद था गतिरोध था उसको दूर करने के लिए एक फॉर्मूला लाया गया था सी आर फॉर्मूला बोलते हैं उसको किसके द्वारा लाया गया था राजगोपाला के द्वारा ठीक है राजगोपालाचार्य एक बुक पूछी गई है हिस्टोरिकल बुक है ये द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया ये बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई है नेक्स्ट पे आते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड uh, क्वेश्चन भी है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है ठीक है तो द प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तो फॉरेस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड जो प्रोविजन है वो भारत के संविधान में कहाँ कहाँ मिलते हैं ये क्वेश्चन है मिली तो डीपीएसपी में भी आता है इसका प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है ठीक है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी बोथ नेक्स्ट है पंचायतों के बारे में पूछा गया है कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है तो करेक्ट स्टेटमेंट केवल एक है इसमें थर्ड नंबर का कि पंचायत जो है मध्यवर्ती स्तर पर भी एक पंचायत होगी पंचायत के तीन लेयर है ना मारिया तो तीन लेयर ही इसमें देखने हैं ठीक है नेक्स्ट है मजदूर किसान शक्ति संगठन एमकेएसएस ये किस एक्ट को लाने में इस संगठन की भूमिका थी तो आरटीआई एक्ट 2005 में आया था उसमें इसकी बहुत बड़ा इस संगठन का बहुत बड़ा योगदान था इन्होंने इस आरटीआई के लिए संघर्ष किया था नेक्स्ट है सेड इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है केसीवेयर ठीक है अर्धसंघ बोला था अर्धसंघात्मक भी बोल सकते हैं नेक्स्ट है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग स्कीम फॉर बीपीएल ठीक है बीपीएल हाउस होल्ड को सम्मिलित नहीं करती ऐसी कौन सी स्कीम है तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ठीक है ये नहीं है इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट है next है क्वेश्चन इसमें अरेंज करने को बुलाया जो हमारा मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है लेकिन डायरेक्ट ना पूछ के क्या किया गया है इनडायरेक्ट रूप से पूछा गया है तो सबसे पहले क्या होता कि महाराजा जो हरि सिंह थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन पर साइन किए थे फिर भारत का संविधान लागू हुआ था थर्ड में हम देखेंगे कि भारत ने जो जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिटेंट असेंबली थी उसने भारत में विलय को क्या कर दिया था मंजूरी दे दी गई और जम्मू कश्मीर का संविधान उसके बाद लागू हुआ था तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट जो है आ, के पास जो है किसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ़ सेंट्रल लॉ मतलब सिंपल सी बात है कि सेंट्रल जो लॉ है हमारे केंद्रीय कानून हैं उनको वैलिडेट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट करता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उनको वॉइड कर दिया जाता है ठीक है तो नेक्स्ट दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो एक इस तरह से अगर हम देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय क्या भारतीय संविधान का संरक्षक है तो ए और आर दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी करते हैं नेक्स्ट पूछा गया है, नेशनल पंचायती राज डे ये कब मनाया जाता है 24 अप्रैल को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बयालीसवे संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसने पार्टिसिपेशन प्रोवाइड किया वर्कर्स को मैनेजमेंट में तो ये किस आर्टिकल में है फोर्टी थ्री ए में है व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो लीगल नेचर है किसका यानी प्रस्तावना का प्रेम्बल का संविधान की वो कैसा है तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको लागू नहीं किया जा सकता एक रेफरेंस के रूप में इसको यूज किया जाता है यानी इंफोर्स नहीं किया जा सकता नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 162 के बारे में है ये एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट ठीक है आर्टिकल 162 क्या है एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट खुजराहो ऑफ विदर्व किसे खुजराहो ऑफ बिदर कहा जाता है किस मंदिर को मार्कडे मार्कडेश्वर मंदिर जो है उसको कहा जाता है टाइफून फिर से पूछा है यानी तूफान तो ये हमें ध्यान ही रखने दो सितंबर में 2019 में आए थे अगस्त सितंबर में डोरियन बेहमास में हेगीबस हेजिबस जापान में लेकिमा चाइना में मितांग जेजू यानी साउथ कोरिया में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस अफ्रीकन कंट्री में भारत सरकार ने हाई कमीशन स्टेब्लिट किया था अक्टूबर 2019 में करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है सीआर लियोन में ठीक है नीति आयोग ने इनो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 जारी किया उसमें किस स्टेट ने टॉप किया था कर्नाटका ने ठीक है एक बुक है ऑथर ऑफ द बुकर प्राइस बिनर टू बुक्स गर्ल वूमेन एंड अदर इसके जो राइटर हैं वो कौन थे बर्नाडीन इवरस्टो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पीबी सिंधु ने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तो किसको हराकर जीता था तो इसका करेक्ट आंसर होगा नोजोमी नो ओकुहारा, ठीक है तो बैडमिंटन से रिलेटेड है पीवी सिंधु इन्होंने किसको हराया था नोजोमी ओकुहारा को नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रो है, पावर प्लांट है भूटान में ठीक है उसका इनोग्रेशन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तो वो कौन सा है मांग देचू पावर प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड ये इंडिया में ही है अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत में कौन सा स्टेट है जो हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य सिक्किम है भारत में और पूरे वर्ल्ड में भी वही राज्य है एक बुक है वेन्यू शिल्प ठीक है उसे किसने लिखा है चित्राचार्य उपेंद्र महारथी ने तो ये पूछा गया इसमें कि ये किस कला से संबंधित है बेंबू आर्ट यानी बांस से जो चीजें बनाई जाती हैं उससे संबंधित है ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दीपा मलिक जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2019 में ये पूछा गया कि वो कौन सा खेल खेलती हैं? शॉर्ट पुट एक सम्मिट पूछी गई है नेक्स्ट में ये भी करंट का क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन सम्मिट 2019 न्यूयॉर्क सिटी में ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिस्ट राइस अगर ह्यूमन डाइट में मतलब खाता है व्यक्ति तो उससे उसे कौन सा रोग कौन सा डिसीज होने की संभावना होती है वेरी वेरी ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट है विटामिन और उसके रिच सोर्स कौन सा है जैसे विटामिन बी सिक्स का रिसोर्स है राइस ब्रान ऑयल भी आता है ठीक है विटामिन ई e, वीट जर्म ऑयल में विटामिन के ध्यान रखना अल्फा अल्फा घास होती है ठीक है विटामिन के किस में हेल्प करता है रक्त का थक्का बनाने में नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी ये तो करेक्ट है लेकिन दूसरा जो है जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है ह्यूमन ऑर्गन सिंथेथाइस ओनली इसल माइक्रो न्यूट्रेंस तो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है केवलार केवलार क्या है सिंथेटिक फाइबर होता है टेक्सोल क्या है टेक्सोल आपका एंटी कैंसर ड्रग होता है जिंक फॉस्फाइड जिंक फॉस्फाइड क्या है रोडेंट नाशी है और नाइट्रोसे जो एक्सप्लोजिव में यूज होता है एंटी बोलते हैं इसको एंटी ठीक है नेक्स्ट है एक कंसेप्ट पूछा गया है ठीक है एक कंसेप्ट पूछा गया क्या कि जैसे जो सुस्क कपूर होता है कपूर क्या है हवा में गायब हो जाता है ठीक है हाँ, हवा में रखा रहेगा नेफ्थलीन शुष्क वर्फ यानी ड्राई आइस ये सब क्या होते हैं ये ये हवा में गायब हो जाएंगे तो ये पूछा गया दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड यानी ये जो कंसेप्ट है इसको क्या कहते हैं सब लिमी आ, मे, मेशन यानी उर्द पातन इसको कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ठीक है ऑप्टिकल फाइबर जिससे लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी तो ये फेनोमेनन जो है इसको क्या कहते हैं इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसको कहा जाता है तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का मुझे लगता है इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो को लगाने से और अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास इसको भेज दें मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट को सेकेंड पार्ट जब हम इसका बनाएंगे उसमें मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद